छोड़ते हैं तो यहां से भी बच्चे बनेंगे, बनेंगे नहीं बनेंगे। अब आपके पास मुर्गे हैं 8, बिल्कुल तैयार ठीक ठाक मोटे 8 मुर्गों में आप 5 मुर्गे बेच दीजिए, केवल 5 मुर्गा बेच दीजिए आप मीट वाले, और 3 मुर्गा आप शेष रखिएगा जो आपके मुर्गियों के बीच में घूमेंगे। एक मुर्गे में लगभग कितनी मीट मिल जाती है बहन, औसत बताइए। मैं बस तोड़वा रहा हूँ, 2 किलो को मान लीजिए, एक मुर्गे में अगर 2 किलो मीट मिलती है, सुनिए मेरी बात, तो आप 5 मुर्गों में कितनी मीट मिलती हो गई, 10 किलो पहली तिमाही पर, तो 1 किलो मीट मुर्गे की क्या रेट मिलती है, कुछ है आइडिया, 200, तो 10 किलो मीट 200 गुणा कर दीजिए कितना हो गया है, कुछ तो बोलिए 2000 रुपए का। यानी पहली तिमाही हमने 1120 रुपए की हमने जो है अंडे बेच लिए और 2000 रुपए का हमने जो है मीट बेच लिया, तो हमारा हो गया 3120 रुपए पहली तिमाही हमारी ये आमदनी हो गई, हो गई नहीं हो गई। अब हमारे पास 3 मुर्गा भी शेष है, हमारे पास मुर्गियां भी शेष है और हमारे अंडों से बच्चे भी तैयार हो रहे हैं। मुर्गी अंडा देती रहेगी, 3 मुर्गी हमने इसलिए छोड़े थे कि हम मुर्गियों के बीच में रहेंगे अंडे, तो आने वाली नस्ल को परिवर्तित करेंगे, आपकी पूरी ब्रीड चेंज हो जाएगी, वो देशी परिवर्तित हो जाएंगे। जो 10 रुपए का अंडा 8 रुपए बेच रहे थे हम, आने वाले समय में वो अंडा देसी हो जाएंगे, आने वाले समय में मुर्गे के बच्चे होंगे वो देसी मुर्गा होंगे, उनकी मीट कम से कम 500 रुपया किलो बिकती है, बिकती है। तो पहली तिमाही हमने 3120 रुपए का अगर फायदा किया देते हो, तो अगले महीना इसको बढ़ेगा, अगले महीना फिर बढ़ेगा, बढ़ता ही जाएगा, कोई इसमें बहुत रिस्क नहीं है, हमने टीकाकरण करा लिए थे, एक बार करने की जरूरत है। आपका एक छोटे सी धनराशि में ये रोजगार चल सकता है, उस दीदी के लिए जिसके पास पैसे का अभाव है, पूंजी